हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल लिविंग द मूवमेंट। कल का दिन तो बहुत ही अच्छा था, क्रिसमस मार्केट देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और आज है संडे और एक दिन है हमारे पास लाइक घूमने के लिए, ट्रैवल करने के लिए जर्मनी में। तो बहुत जनों ने हमें रिकमेंड किया कि आप कोलैब ज़रूर जाना, तो आज का हमारा प्लान है वहाँ जाने के लिए। अभी हम रेडी हो रहे हैं, थोड़ी देर में रेडी होकर निकलते हैं और आपको भी दिखाते हो कैसा है। आज का क्लाइमेट थोड़ा सा शावरिंग है, हल्का हल्का सी बारिश हो रही है बाहर। सुबह अराउंड 5 डिग्रीज था और स्लोली 8 और 9 डिग्रीज है, तो टेम्परेचर का तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। बस बारिश को थोड़ा सा हैंडल करना है आज के दिन के ट्रैवल में। आपको थोड़ा सा बाहर का व्यू दिखा देता हूँ कि कैसा स्टार्ट हुई है हमारी मॉर्निंग। तो अभी रेडी होते हैं फटाक से और खाना वगैरह साथ में ही लाए हैं हम, तो वो खा के निकलेंगे क्योंकि 12 बजे तक चेकआउट है और हमारा प्लान है 11 बजे तक चेकआउट करें। तो रेडी होता हूँ और मिलते हैं थोड़ी देर में। रेडी हो गए पूरी तरीके से, कल जैसे पूरा लाइक थर्मल स्वेटशर्ट ले लिया है, जैकेट पहनना है बस क्योंकि बहुत ठंड है बाहर, रिस्क नहीं ले सकते। और प्रियंका ने थोड़ा सा करेक्शन किया है, जो मैंने गलती से कलोन कोलैब बोल दिया था, तो हम जा रहे हैं कलोन बोलते हैं, तो कलोन बोलते हैं उस जगह को, क्योंकि हमें बहुत जनों ने रिकमेंड किया है कि आप आ रहे हो तो जर्मनी में लाइक क्रिसमस मार्केट देखने डसेलडॉर्फ जाओ, बट एक दिन कोलोन को तो जरूर देना, कोलैब नहीं कलोन। तो ऐसे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। कोई बात नहीं सेनोरिटा, कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। अभी जा रहे हैं हम दोस्तों के रूम में, देखते हैं वो रेडी हुए हैं कि नहीं। टाइम तो दिया था 11 बजे का, तो लेट्स सी वो रेडी है या नहीं है। अरे वीतान ने ओपन किया है, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। चलो रेडी हो गए लगता है टाइम पे ये सब जन। हाय, हेलो, एकदम रेडी। हाय वीतान, हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वो खाना वगैरह खा के रेडी हो गए अभी, अच्छा हो गया, लंच साथ में कैरी किया था, लंच या ब्रंच बोल सकते हैं, हो गया। और शूज़ पहन के निकल रहे, ये शूज़ ने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है ऐसा बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि ठंड से बहुत बचाता है, पूरा ऊपर तक है कवर्ड है, तो इट वॉज अ नाइस डिसीजन टू बाय दिस शूज़। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। ये मस्त है पहनना ये सीजन में, क्योंकि हमें आदत नहीं है इतने ठंड की। हो गया, और जैसा कल दिखाया था मैंने आपको कि हमेशा मेरे साथ रहता है पॉकेट में कैप एंड ग्लव्स, तो ये पहन के निकलते हैं और चलते हैं आगे की जर्नी पे। सब जन रेडी हो गए हैं और निकल रहे हैं। जैसा मैंने बताया था हल्का सा शावरिंग हो रहा है, बट उसका भी बंदोबस्त कर लिए हम लोग, ये हेल्प करेगा शावरिंग से बचाने के लिए। और ये सब और बीतान के लिए अलग से तैयारी किया है, रेन के लिए वो बैठा है स्ट्रोलर पे कवर करके। एंजॉय कर रहा है उसका एप्पल। तो ट्रेन जर्नी स्टार्ट हो गई है हमारी, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ट्रेन कैसी है यहाँ पर। हमें उतरना है यहाँ पर KOLN कोलोन। एप्पल खाना चालू है बीतन का बीवी। हाय हाय, हम तो
बीतन बोशो हाय करो हाय बसो 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 देखिए फ्रेंड्स प्राइम में कैसे बैठते हैं गुड बॉय और एप्पल कैसे खाते हैं आप बेटा खेरे के अपने खेरे को भी मेरे कितना अरे वाह इसको दांत से काटते हैं और चबा चबा कर खाते बीतान के मम्मी का काम आसान कर दिया है मैंने उधर नहीं उधर कैमरा को हाय पीछे पीछे आओ पीछे पहुंच गए हम कोलन और बहुत ही अच्छा लग रहा है आने के बाद ये ट्रेन थी हमारी राइड थी जिसमें अभी बहुत ही बढ़िया थी आपने भी अंदर से देखा है आते ही बहुत अच्छा अच्छा सिटी व्यू दिखना चालू हो गया था ट्रेन से ही चलते सिटी एक्सप्लोर करने के लिए देखते हैं क्या क्या दिखेगा अभी आगे स्टेशन पर भी बहुत अच्छे से डेकोरेशन किया गया है ओ स्टेशन से उतरते ही कैथेड्रल और बहुत ही खूबसूरत है ये ऑसम बहुत मस्त लग रहा है देखने के लिए वाओ आपको भी कैसा लगा ये देखने के बाद बताना कमेंट सेक्शन में बस बाहर निकलते इतना खूबसूरत नज़ारा देखने को मिले तो क्या बात है तो सिटी एक्सप्लोर करने का स्टार्ट तो बहुत ही मस्त हुआ है लेट्स सी आगे और क्या क्या सरप्राइजेस देता है कलोन हमें वाओ नज़दीक हम पहुंच गए हैं और बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर है इसके ऊपर थोड़ा शावरिंग हो रहा है इसके लिए कैमरा जो है वो ब्लर हो रहा है वाओ और यहाँ से एक छोटा सा सिटी व्यू और ये एक्चुअल एंट्री है तो और क्या क्या सरप्राइजेस होने वाले देखते हैं आगे बहुत ही मस्त है सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पर ये देख के बहुत अच्छा लगा है और यहाँ पर लाइक पेड़ों पे जो पत्ते वगैरह रहेंगे तो और अच्छा लगता होगा यहाँ पर वो एंट्री है इधर आने के लिए मस्त है ओहो माय गॉड आप ये देख के हैरान हो जाओगे जैसा मैं हो गया हूँ क्या नज़ारा है यहाँ से जस्ट होल्ड योर ब्रेथ टू सी दिस व्यू ओहो माय गॉड बहुत ही खूबसूरत बहुत ही ऊंचा और शानदार बनाया गया है ये Awesome. तो आप जो मेरे ये पीछे देख रहे हो वो है एक्चुअली कैथेड्रल ये है कलोन का कैथेड्रल और जैसे मैंने आपको दिखाया था कि स्टेशन से बाहर निकलते ही दिखता है और बहुत खूबसूरत है तो आप मिस नहीं करोगे ये दिख ही जाएगा आपको और यहाँ आने का मन करेगा और आपको भी ये देखने के बाद कैसा लग रहा है ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और मैं जानना चाहता हूँ कि आपको भी कैसा लग रहा है ये देखने के बाद बहुत ही मस्त है
ये सुन के बहुत रिलैक्सिंग लगा, बहुत ही खूबसूरत सिंग कर रहे हैं वो। एक्चुअली क्या है मुझे पता नहीं है कि एक पोयम है या गॉड के लिए प्रे है या सेंटा क्लॉज जैसा म्यूजिक लग रहा था। बहुत ही खूबसूरत वो सिंग कर रहे थे, लाइक बहुत अच्छा लगा सुनने के बाद। तो अभी यहाँ से आगे जर्नी स्टार्ट करते हैं हमारी, हम और दूसरी जगह पर जाते हैं। यहाँ से नज़दीक में क्रिसमस मार्केट दिख रहा है, एक ब्यूटीफुल सा ट्रेन दिख रहा है, डेकोरेशंस दिख रहे हैं, तो चलते आगे और दिखाते हैं आपको भी। कैथेड्रल को लग के ही एक क्रिसमस मार्केट दिख रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो चलते आगे और देखते हैं कैसा है। और वो बड़ा ऐसा क्रिसमस ट्री देख रहा है आपको, बहुत बड़ा क्रिसमस ट्री है, मतलब कल हम थे बट उससे भी ज़्यादा बड़ा क्रिसमस ट्री है वहाँ पर। एंट्री हो गई है मार्केट में और बहुत खूबसूरत डेकोरेशन है यहाँ पर, सब रेड कलर ग्रीन कलर से भरा है, ये ऐसा लग रहा है थीम है क्रिसमस वाला। वाह, और बहुत ही अच्छा स्मेल आ रहा है खाने का यहाँ पर, है ना। तो ये फोटो के लिए बना गया है, ऐसा फोटो बूथ टाइप छोटा सा, और बहुत खूबसूरत डेकोरेशन है यहाँ पर। तो जितने बार मैं खूबसूरत वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ उस हिसाब से आपको समझ में आ ही रहा होगा कि सच में कितना ब्यूटीफुल है ये जगह। हल्का हल्का बारिश हो रहा है बट मज़ा आ रहा है इसमें भी। बहुत ही अच्छा टेस्ट लग रहा है इसका, बहुत खाने के लिए ऑप्शंस दिख रहे हैं यहाँ पर। तो चलो घूमते हैं और देखते हैं कैसा कैसा है। इसको टेस्ट करके देखता हूँ कैसा है ये। ये वाला भी फ्लेवर अच्छा है, जो पहले दिया था वो ज़्यादा अच्छा था बट ये भी टेस्ट में अच्छा है। ड्राई फ्रूट्स है और मिल्क जैसा लग रहा है कुछ। बस खाने के लिए ऑप्शन है, और मुझे तो फूड पसंद है अलग अलग टेस्ट करना, तो मैं एंजॉय कर रहा हूँ। ये यहाँ एक बहुत ब्यूटीफुल चॉकलेट शॉप दिख रहा है। यहाँ का एक पार्ट अच्छा लगा कि वेजिटेरियन मिल जाता है हमें खाने के लिए, बहुत से अलग अलग ऑप्शन और टेस्ट करने के लिए। तो ये हमने लिया है यहाँ से, प्योर वेजिटेरियन है, और टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। बट दिखने में तो लाजवाब दिख रहा है और चीज़ी है, तो जो मुझे ज़्यादा पसंद है चीज़ खाना, मज़ा आने का खाने में। प्रियंका तो नहीं खाएगी तो वो मेरा वीडियो लेगी। सॉस इज गुड, मस्ट ट्राई थिंग, व्हाट इट इज हियर। तो बहुत ही बड़ा मार्केट है और अभी हम क्रिसमस ट्री के नज़दीक जाते हैं। बारिश हो रहा है, ठंड है बट हल्की हल्की सी बारिश है, इसके लिए इतनी ज्यादा तकलीफ नहीं हो रही है, बस हवा निकल गई। तो हमारे फेवरेट जगह पे हम रुके थे अभी, इसका नाम है फाइव गाइस। इधर फ्राइज वगैरह बहुत टेस्टी मिलता है। अभी यहाँ से निकल रहे हैं, थोड़ा सा और सिटी देखेंगे और रिटर्न जर्नी स्टार्ट करेंगे।
थोड़ा स्नैक्स टाइम था तो खा लिया है और अभी निकलते हैं। बारिश भी थोड़ा रुक गया लग रहा है। यहाँ पर ये है वो कैथेड्रल। बारिश हो रहा है और वैसे भी देख लिया है, बहुत जल्दी हो गया हमारा क्योंकि सब नज़दीक ही था, क्रिसमस मार्केट, कैथेड्रल और फिर सेंटर में नहीं गए हम अंदर के साइड में क्योंकि वहाँ शॉप्स सी थे तो वो देखने जैसा नहीं था। हमारा प्लान था 5:25 का ट्रेन पकड़ेंगे बट अभी जल्दी ख़त्म कवर हो गया है, सब 4 बज गए हैं तो 4:25 की एक ट्रेन है जो अभी हम लेने वाले हैं तो उसके लिए हम जा रहे हैं अभी स्टेशन। तो चलो चलते हैं स्टेशन और अंदर का सजावट दिखाते हैं आपको कैसा है। ये स्टेशन का एंट्रेंस है, देखो अभी एक स्टार आया, वाह। लाइक करो, बोलो लाइक। तो जर्नी एंड होने आई है हमारी, अभी हम है ट्रेन में, आइंदोवन के लिए रिटर्न जर्नी स्टार्ट की है और सब जन साथ में बैठे हैं। बहुत एंजॉय हो गया है बट थक गए सब जन, तो अभी ख़त्म करते हैं जर्नी यहाँ पर ही। बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।